अय्यूब की पुस्तक अध्याय 30। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 30। परंतु अब जिनकी अवस्था मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं, वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियों के कुत्तों के काम के योग्य भी नहीं जानता था, उनके भुजबल के मुझे क्या लाभ हो सकता था। उनका पौरुष तो जाता रहा, वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं, वे अंधेर और सुनसान स्थानों में सूखी धूली फाकते हैं, वे झाड़ी के आसपास का लोनिया साग तोड़ लेते और झाऊ की जड़ें खाते हैं, वे मनुष्यों के बीच में से निकाले जाते हैं, उनके पीछे ऐसी पुकार होती है जैसी चोर के पीछे, डरावने नालों में, भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है, वे झाड़ियों के बीच रेखते हैं और बिच्छू पौधे के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं, वे मूढ़ों और नीच मनुष्यों के वंश के हैं, जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं, वे मुझसे घीन खाकर दूर रहते हैं व मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। परमेश्वर ने जो मेरी रस्सी खोलकर मुझे दुख दिया है, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। मेरी दहिनी अंगल पर बजारू लोग उठ खड़े होते, वे मेरे पाव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए उनके उपाय बांधते हैं। जिनके कोई सहायक नहीं वे भी मेरे रास्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल की नाई जाता रहा और अब मैं शोक सागर में डूबा जाता हूं। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है, रात को मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती है और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ती। मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है, वह मेरे कुर्ते के गले की नाई मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूं। मैं तेरी दोहाई देता हूं परंतु तू नहीं सुनता, मैं खड़ा होता हूं परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदलकर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बलि हाथ से मुझे सताता है। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी के पानी में मुझे गला देता है, क्योंकि मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दोहाई न देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे, और क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित न होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था तब विपत्ति आ पड़ी, और जब मैं उजियाले का आसरा लगाए था तब अंधियारा छा गया। मेरी अतड़िया निरंतर उबलती रहती है और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं, वे शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूं, और सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूं। मैं गिदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का साथी हो गया हूं। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता जाता है और तप के मारे मेरी हड्डियां जल गई है। इस कारण मेरी वीणा से विलाप के और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है।